अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में कोरोना वायरस से राहत के लिए हवन यज्ञ किया गया। मंदिर के पंडित प्रदीप गौतम ने पूरे विधि विधान से हवन करवाया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पंडित प्रदीप गौतम ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमें अनसुनी बीमारियों से लड़ना पड़ता है। अब विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप है। पंडित उमेश गौतम ने कहा कि हवन में कुछ ऐसी विशेष जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जो वायुमंडल में घुलकर विभिन्न प्रकार के विषैले जीवाणुओं को खत्म करती हैं। इससे कोरोना वायरस से भी राहत मिलेगी। आदिशक्ति माँ नैना देवी के मंदिर में नैना देवी मंदिर के बारीदारों पुजारियों द्वारा आजकल जो पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके निवारण के लिए माँ से प्रार्थना की और एक जप पाठ और हवन का अनुष्ठान पिछले 5 दिनों से यहाँ पे रखा गया था, जिसके कि आज पूर्णावती हुई। हवन किया गया और माँ से प्रार्थना की गई कि माँ इस कोरोना महामारी से, जिससे कि पूरा आज विश्व त्रस्त है और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है, माँ जल्दी से जल्दी इस महामारी से पूरे विश्व को छुटकारा दिलाए, लोगों में अभयदान माँ प्रदान करे, ताकि लोग अपनी पुरानी जिंदगी में वापिस आ सकें और जो भक्तजन माँ के दरबार में बहुत दिनों से आना चाह रहे हैं और माँ से दरबार में पहुंचकर अपनी प्रार्थना माँ के आगे करना चाह रहे हैं, तो माँ जल्दी से जल्दी अगर ये कोरोना खत्म होता है तो सभी भक्तजन माँ के आपके दरबार में पहुंचें और आपका आशीर्वाद लें और अपने अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत करें। यही माँ हमारी माँ से कामना है और माँ से प्रार्थना है और इसी उद्देश्य के लिए हमने इस यज्ञ हवन आदि का जो है आयोजन किया था। जय माता की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।